दोस्तों इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस और भाईजान की फिल्म रेस 3 के कलेक्शन का। कई लोगों ने कहा था कि चेन्नई एक्सप्रेस काफी शानदार फिल्म है, इसके कलेक्शन की रिपोर्ट भी दीजिए। तो हम आ गए हैं आपके पास ये वीडियो लेके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आपको बता देते हैं अब चेन्नई एक्सप्रेस के शुरुआती दिनों का कलेक्शन। पहले दिन शुरुआत की थी 33 करोड़ के शानदार कलेक्शन से ईद के मौके पर। दूसरे दिन चेन्नई ने कमाए थे 28.6 करोड़ और तीसरे दिन भी संडे की छुट्टी का फायदा उठाते हुए 32.5 करोड़। चेन्नई एक्सप्रेस का वीकेंड काफी शानदार रहा था और चौथे दिन भी फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिली 12.62 करोड़, 11वें दिन 11.5 करोड़, छठे दिन 12.56 करोड़ और सातवें दिन भी फिल्म ने अच्छे खासे 19.60 करोड़ कमाए थे। ये उछाल आया स्वतंत्रता दिवस के कारण। उसके बाद में इसका फर्स्ट वीक कलेक्शन रहा 156.71 करोड़ रुपए का और आठवें दिन के कलेक्शन रहा 6.48 करोड़। चेन्नई एक्सप्रेस 2013 में रिलीज हुई थी, रोहित शेट्टी की फिल्म। लेकिन दोस्तों आपको बता दें इसको काफी लंबा छुट्टी का मौका मिला था और फिल्म ने काफी तगड़ी कमाई की थी। पहले 7 दिनों में 156 करोड़ रुपए और 8 दिनों में इसके कलेक्शन हो गया था 162 करोड़ रुपए। 2013 में आई चेन्नई एक्सप्रेस का कलेक्शन लाइफ टाइम रहा था 227 करोड़ भारत में और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था इसका 430 करोड़ के आसपास। शाहरुख खान की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में चेन्नई एक्सप्रेस का नाम शामिल होता है। शाहरुख खान के अलावा इस फिल्म में दीपिका पादुकोण की काफी ज्यादा तारीफें हुई थी। अब बात करते हैं भाईजान की फिल्म रेस 3 के कलेक्शन की, जो कि अभी 2018 के ईद के मौके पर रिलीज हुई है। सलमान भाईजान की फिल्म रेस 3 का पहले दिन का कलेक्शन रहा था 29 करोड़ रुपए, हमने आपको बताया था, और इसकी पूरी कलेक्शन की रिपोर्ट ये रही आपके सामने। भाईजान की फिल्म रेस 3 ने पहले 4 दिनों में 29, 38, 39, 14 करोड़ का कलेक्शन किया और अगले 5वें, 6वें, 7वें दिन भी काफी अच्छा कलेक्शन करते हुए 10, 12 और 8 करोड़ का कलेक्शन किया और इसका भी कलेक्शन होता है 8 दिनों का 157 करोड़ रुपए। तो यहां पर शाहरुख खान की मूवी रेस 3 से आगे निकलती हुई दिखाई थी। चेन्नई एक्सप्रेस का 8 दिनों का कलेक्शन था 162 करोड़ और यहाँ पर रेस 3 का कलेक्शन है 8 दिनों में 157 करोड़, यानी कि 5 करोड़ कम। लेकिन अब बात करते हैं वर्ल्ड वाइड में, तो रेस 3 ने बाजी मार ली है चेन्नई के आगे और वर्ल्ड वाइड में ये फिल्म पार कर चुकी है अभी तक 380 करोड़ का कलेक्शन, जबकि चेन्नई एक्सप्रेस का लाइफ टाइम ही 430 करोड़ का कलेक्शन रहा है और भारत में भी ये फिल्म 230 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन तो करी जाएगी, यानी कि रेस 3 आने वाले समय में चेन्नई एक्सप्रेस से काफी आगे निकल जाएगी। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। आपको बता दें दोस्तों चेन्नई एक्सप्रेस 2013 की फिल्म है और उस समय कलेक्शन का मामला इतना तेजी से नहीं बढ़ता था और इन 5 सालों में फिल्मों ने काफी अच्छा अच्छा कलेक्शन करना शुरू कर दिया है और रेस 3 को उसी का फायदा मिला है। 2018 एक ऐसा साल है जहां कई फिल्में काफी अच्छे अच्छे कलेक्शन कर रही है। ऐसे में सलमान खान का बीते दिनों स्टारडम भी काफी बढ़ चुका है फिल्म टाइगर जिंदा है, सुल्तान, बजरंगी भाईजान जैसी शानदार फिल्में देने के बाद में। तो ऐसे कहेंगे चेन्नई एक्सप्रेस भी एक शानदार फिल्म थी, लेकिन रेस 3 का लाइफ टाइम कलेक्शन चेन्नई एक्सप्रेस को पीछे छोड़ जाएगा। लेकिन शुरुआती 8 दिनों में चेन्नई एक्सप्रेस यानी शाहरुख खान की फिल्म ने रेस 3 को पछाड़ दिया है। दोस्तों आपको क्या लगता है बॉक्स ऑफिस का नंबर 1 सरताज कौन है, किंग खान यानी कि शाहरुख खान या फिर हम सबके भाईजान यानी कि सलमान खान? कमेंट बॉक्स आपका है, जवाब जरूर दीजिए और सब्सक्राइब करें देखो देखो, ताकि ऐसी और भी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसलिए बेल आइकन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।